हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर आपको हद से ज़्यादा जो टेंशन थी, प्रॉब्लम थी कि हमारे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए और मतलब कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो एक लड़के का कमेंट पढ़ा मैंने और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला आपको ये कमेंट सुन के। तो इस कमेंट से रिलेटेड आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा और जो आपकी जो टेंशन थी ना, एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तुषार चवन नाम का लड़का था जिसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कमेंट लिखा है कि डोंट वरी फ्रेंड्स, मुझसे भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे थे वेरिफिकेशन के लिए एचआर ने, बट मुझे ऑफर लेटर आ गया 5 दिन में। डोंट लूज होप, सबको सिलेक्शन मिल आएगा। मतलब कि इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस नहीं हुआ था, जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों का नहीं हुआ है। तो आप में से हद से ज़्यादा लोग जो मतलब टेंशन में आ गए थे कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। एक चीज़ तो ये भी थी कि अब तक मेल नहीं आया था काफ़ी लोगों पर, तो ये भी पता नहीं लग पा रहा था कि भाई सेलेक्ट हो पाएंगे हम या नहीं हो पाएंगे। तो इस बंदे का कमेंट पढ़ के आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला होगा कि इससे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं मांगे थे एचआर राउंड के टाइम पे, पर इसका सिलेक्शन फिर भी हो गया, वो भी 5 दिन के अंदर। तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। भले ही आपसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना मांगे, पर जिस टाइम आप ज्वाइनिंग की जो आपको डेट देंगे, जब आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे जाके कंपनी में, तो तब आपके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे। तो उसका भी इतना तगड़ा कोई सीन नहीं है टेंशन लेने लायक। तो ये जो क्वायरी थी ये तो आज ख़त्म हो गई। अब बची है वो क्वायरी कि अब तक हमारा मेल नहीं आया। वो क्वायरी अगर आपको रिजॉल्व करवानी है अपनी, तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, वो मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बताया कि आपके पास मेल अब तक क्यों नहीं आया। और ये जो बंदा था, मतलब इसका जो एचआर और टीआर का इंटरव्यू हुआ था, वो 5 अक्टूबर को हुआ था, और अगले ही दिन इसका एचआर का इंटरव्यू हो गया था। मतलब एक दिन इसका टीआरएमआर का और एक दिन एचआर का इंटरव्यू हो गया, और उसके मतलब 5 दिन बाद ही से ही मेल आ गया था ऑफर लेटर का कि आपका सिलेक्शन हो चुका है टीसीएस में। तो आपका भी आ जाएगा। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं मांगे वेरिफिकेशन के लिए तो कोई बात नहीं, बाद में मांग लेंगे। तो इसे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इस चीज़ की। और इसकी जो काफ़ी दोस्त हैं, मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, उनका भी अभी तक जो है उनका तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, पहला भी इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ उनका। तो आपका तो मतलब हो भी चुका है, बस मेल ही आना बाकी है। ढाई ढाई महीने महीने लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं इंटरव्यू का लेटर आने में कि आप सेलेक्ट हो चुके हो कंपनी में या नहीं हुए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी इन्फॉर्मेटिव लगे और आपकी ये जो क्वायरी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, ये तो आज सॉल्व भी हो चुकी है। तो अगर आपकी और भी कोई अगर क्वायरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे।